भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया 4.5 साल में। मुख्यमंत्री जी उत्सव मना रहे हैं 4.5 साल का, लेकिन सही बात यह है कि भाजपा सरकार में एक भी उपलब्धि नहीं है। यदि उपलब्धि है तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई। जिन नौजवानों से वादा था कि हम 100 दिन के अंदर जितने रिक्त पद हैं उनकी विज्ञप्ति जारी करेंगे, उनको बदले में लाठी मिली। उत्तर प्रदेश में वादा किया था कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देंगे, लेकिन हाथरस, उंभा, शाहजहांपुर, सहारनपुर, प्रतापगढ़ की घटनाओं में ये दिख गया कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हुई, बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई। प्रदेश में फूड मेगा पार्क स्थापित करने की बात थी, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई निकला। किसानों से बड़ी बड़ी बातें की, कर्ज माफी की बात की, लेकिन नियम शर्तें लगाकर 1 रुपया 2 रुपया माफ करके प्रदेश के किसानों का अपमान किया। और महंगाई इतनी बढ़ गई, 35% लागत बढ़ने के बाद भी गन्ने की फसल पर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। बिजली देने का वादा था कि 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 300 गुना ज़्यादा दाम बिजली के कर दिए। कटौती जस की तस बनी रही। उत्तर प्रदेश के लोग अब भाजपा का और आदित्यनाथ जी का जो जन विरोधी चेहरा है उसे जान चुके हैं। उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर कांग्रेस की सरकार बनवाने का काम करेगी।